हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मैं मंजीत। मेरा इस वीडियो में आज मैं मूवी थिएटर हॉल का कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। सो आइए शुरू करते हैं मेरा इस वीडियो को। और मेरा चैनल में अगर नया यूजर है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आपका मेरा हर अपडेट मिलता रहेगा। सो आइए शुरू करते हैं। सो मूवी हम लोग का हर किसी का फेवरेट होता है। हम लोग वीकेंड या हॉलीडेज में फैमिली या फ्रेंड्स के साथ मूवी देखना पसंद करते हैं। सो इस मूवी हॉल का कुछ बातें हम लोग को नहीं पता होता, जैसे पॉपकॉर्न हो गया, जो हम लोग को मूवी थिएटर हॉल में बिना पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स का हम लोग का अच्छा नहीं लगता, मूवी का एंटरटेनमेंट नहीं होता है। सो इस पॉपकॉर्न को हम लोग बाहर में जो मिलता है पॉपकॉर्न, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा पैसा लेके हमको लेना पड़ता है। देखा जाता है कई गुना हम लोग टिकट का प्राइस से भी ज़्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ता है। सो इस मूवी थिएटर हॉल्स में ये पॉपकॉर्न का प्राइस ज़्यादा होने का कारण यही है कि मूवी थिएटर हॉल में जो टिकट्स हम लोग अमाउंट जो पे करते हैं, उसका मैक्सिमम परसेंटेज जो मूवी मेकिंग करते हैं उस कंपनी को जाता है, जो कि 20-30% प्रॉफिट ही जो मूवी थिएटर हॉल का ओनर को मिलता है। सो इसलिए इस पॉपकॉर्न या जो फूड आइटम्स है उसी को सेल करके मूवी थिएटर हॉल का जो ओनर है उनको प्रॉफिट मिलता है। सो इसलिए इस पॉपकॉर्न और कोल्ड्स का प्राइस हम लोग को बाहर से कई गुना ज़्यादा पे करना पड़ता है। और इस हॉल में इसलिए हम लोग को फूड आइटम्स बाहर से अलाउड नहीं होता है। सो ये हो गया पहला फैक्ट। सेकेंड थिंग हो गया, हम लोग को मूवी थिएटर हॉल में हम लोग जाते हैं। सो बेसिकली कपल्स जो होता है वो कॉर्नर सीट प्रिफर करता है। और इसमें आजकल सीसीटीवी कैमरा होता है मूवी थिएटर हॉल में, जो नाइट वर्जन कैमरा होता है, क्योंकि इस हॉल में कई तो ऐसे कुछ काम ऐसा होता है कि जो सोशली नहीं है। सो इसको कैप्चर करने के लिए हॉल्स में ये कैमरा लगाया जाता है, जैसे कोई मूवी को पूरा रिकॉर्ड करके बाद में वो फिर से पब्लिश कर देता है। सो हॉल्स में ऐसा कुछ मत कीजिए जो कि आपको बाद में शर्मिंदा होना पड़े। सो हॉल्स में आजकल जो हॉल्स में मैक्सिमम हॉल्स में नाइट वर्जन कैमरा आपको मॉनिटर करता रहता है। सो ये जो मूवी चल रहा है उसका पायरेसी ना हो, या तो जो कुछ ऐसे जो एक्टिविटीज़ जो सोशली नहीं है वो बंद करने के कारण, उसको रोकने के कारण ये कैमरा लगाया जाता है। सो इस बार से ध्यान से अगर आप मूवी हॉल में जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान दें। सो ये हो गया दूसरा कारण। दूसरा जो फैक्ट है, देख रहे हैं नाइट वर्जन कैमरा है। सो थर्ड पॉइंट में मैं आता हूँ, हम लोग को 3D जो मूवी है होते हैं उसमें हम लोग को जो 2D मूवी में होता है उससे कुछ अलग दिखाई देता है, जो कि हम लोग को जो मूवी में जो स्टोरी चल रहा है उसमें हम लोग को जो इफेक्ट होता है उससे हम लोग को जो हम लोग देख रहे हैं उसके वजह से कंटिन्यूस हम लोग अगर मूवी 2 घंटे का है देख लेंगे तो हम लोग को सर दर्द भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप लोग 3D मूवी देख रहे हैं, बीच बीच में आपका जो ग्लास है वो उतार के देखिए तो आपको सर दर्द यानी कुछ प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है। टेक्नोलॉजी जितना आगे बढ़ रहा है इफेक्ट भी हो रहा है, जैसे हॉल्स में हम लोग को बहुत सारा साउंड इफेक्ट्स मिलता है जो कि 85 डेसिबल तक होता है, जो कि हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हम लोग को ये सब बात का ध्यान रखना चाहिए। अभी 3D के साथ 4D भी आ गया है, 4D मूवी भी आ गया है, जो कि आपको उस स्टोरी में आपको क्या चल रहा है उसको आपको 4D
बॉडी में आपको महसूस करने मिलता है। सो आज का वीडियो में मैं यही बताने वाला था। सो मेरा वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, प्लीज़ लाइक कर लीजिए और कमेंट कीजिए। जो कुछ अगर रह गया तो आगे वीडियो में मैं वो सुधार सकूँ, अच्छा से बता सकूँ आपको। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।